वेलकम एवरीबॉडी। आज जिस टॉपिक को हम लोग समझना चाहते हैं वो टॉपिक है वेरियस इश्यूज टू बी कंसिडर्ड वाइल अप्लाइंग मैकॉले मेथड। मैकॉले मेथड अपनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम इजी सॉल्यूशन पर और फास्ट सॉल्यूशन की तरफ और एग्जैक्ट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ सकें। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है, फर्स्ट जो थिंग का हमें ध्यान रखना है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे अप्लाई करें? कोऑर्डिनेट सिस्टम आप हमेशा जब भी मैकॉले मेथड अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट एंड पर यहाँ पर ऑब्जर्वर को रखेंगे हमेशा हमेशा। तो ये एक फर्स्ट हमने तीन केस कंसिडर किए हैं। तो फर्स्ट केस है ये ए बी सी, एक बीम है, ये 300 न्यूटन का यहाँ पर लोड लगा हुआ है 2 मीटर दूर, और ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो फर्स्ट थिंग का जो और इसमें रिएक्शन जो है वो प्री डिटरमाइंड हमने ले लिया है, 100 न्यूटन और 200 न्यूटन, बहुत ईजी है इसको फाइंड आउट करना। फर्स्ट थिंग का जो ध्यान रखना है वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाना। सेकंड थिंग का जो ध्यान रखना है वो जो है कि सेक्शन जो होता है वो हमेशा लास्ट सेगमेंट में लिया जाएगा। यहाँ पे दो सेगमेंट है तो बी सी जो है लास्ट सेगमेंट है। सेक्शन यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने लास्ट सेगमेंट में ये सेक्शन लिया है, इसी सेक्शन पर मोमेंट लिया जाता है। तो अगर यहाँ पर दो ही सेक्शन है तो यहाँ पर ये लास्ट सेगमेंट में सेक्शन लिया गया है। तीन सेक्शन होते तो वो लास्ट सेगमेंट में सेक्शन लिया जाता ताकि वो हमारी सारी लोडिंग कंडीशन को उस मोमेंट इक्वेशन में जितना भी लोड होते हैं लेफ्ट में सारे लोडिंग कंडीशन आ जाती है। एक चीज़ का जो हमें और ध्यान रखना है वो है ड्राइंग इलास्टिक कर्व। इलास्टिक कर्व जो होता है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पे अकर होता है, ये बहुत इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को फाइंड आउट करना। तो इसमें इलास्टिक कर्व को ड्रॉ करना पड़ता है तो उससे हमें ये पता लग जाता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर आने की संभावना है। जैसे इस प्रॉब्लम का अगर डिफ्लेक्शन देखें तो यहाँ पर ये लोड है, तो इसमें ये ऐसा नहीं है कि जहाँ लोड है उसी के नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर ये सेंटर पर अगर लोड होता बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर तो ज़रूर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसके नीचे होता, लेकिन यहाँ पर ऑफसेट है ये। तो इसका अगर इलास्टिक कर्व ड्रॉ करें तो आप देखेंगे कि इसमें जो है सपोज इस टाइप से अगर इसका एक इलास्टिक कर्व ड्रॉ हो जाता है तो ये इलास्टिक कर्व हमें ये बहुत हेल्प करता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को उसका अनुमान लगाने में कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा। और इसमें आप लोग जानते हैं कि एक एक चीज़ होती है इसमें लॉन्गेस्ट स्पान और लोडिंग लोड कैसा लगा हुआ है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ पर लॉन्गेस्ट स्पान ए बी है, अगर ये ए बी और बी सी बस दो ही स्पान है इसमें, तो इसमें जो लॉन्गेस्ट स्पान ए बी होता है उस बात की पूरी संभावना होती है कि उसी में यहाँ पर मैक्सिमम रिफ्लेक्शन आएगा। और एक चीज़ का और अब आपको ध्यान रखना है कि जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है वो हम लोग अगर ये दो सेगमेंट है तो हम लोग लेफ्ट सेगमेंट में लेंगे, ये हम लोग इससे पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें अगर हमें ये आपको अगर ये प्रॉब्लम में ऐसा होता है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालिए तो आप जो आप एज्यूम करते हैं वो ए बी सेक्शन में एज्यूम करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग एक बार इसका मोमेंट इक्वेशन और स्लोप इक्वेशन और इक्वेशन ऑफ फाइंडिंग वाई यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है और पूरा मैकॉले फंक्शन का मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100x - 300x - 2 और ऐसे ई आई डी वाई बाई डी एक्स लिखा हुआ है 1 2 3। ये मैकॉले मेथड ये मैंने ऐसा माना है कि आपको ये आप सीख गए हैं कि इसको कैसे लिखा जाता है और ये इससे प्रीवियस वीडियो में ऐसा है भी। अब यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को लेकर के मैं इसमें कंसिडरेशन करता हूँ कि सपोज़ मैंने माना कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो है वो ए बी सेगमेंट में है, तो ये जो वाई है इसको मैक्सिमाइज करना है तो ई आई डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो मैक्सिमम के लिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर पहले से मिल जाता है। तो अगर वाई को डिफ्लेक्शन को मैक्सिमाइज वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन नंबर 2 पर चले जाएंगे, और अगर डी वाई बाई डी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लोग इक्वेशन नंबर 1 पर चले जाएंगे। तो यहाँ पर इसको मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पर फोकस करते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ई आई डी वाई बाई डी एक्स 50x² और ये पॉइंटेड ब्रैकेट है -150x - 2 का² -133.27। अगर इसमें आपने ऐसा माना है कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये ए बी में है तो उसके लिए एक्स वेरी करेगा 0 से 2 से छोटा होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला ये पॉइंटेड ब्रैकेट ये जो ये वाली टर्म हट जाएगी तो हमारे पास इस इक्वेशन में बचेगा ई आई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 50। ये जो एक्स इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एक बार इसको मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ -0 का² -150x - 2 का² -133.27। यहाँ पर अगर ये जो x है अगर ये x जो है अगर 2 से छोटा है तो ये वाली टर्म जो होती है ये 0 हो जाती है और x 0 से तो बड़ा है ही सही। तो ये यहाँ पर ये पॉइंटेड ब्रैकेट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में कन्वर्ट हो जाता है 50x² माइनस ये 0 हो जाता है -133.27 और इसको हम लोग 0 के बराबर सॉल्व कर देते हैं
ये डी टू है, इसको इस पूरी इक्वेशन को जीरो के बराबर, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो आती है वो आती है एक्स की वैल्यू 1.63 मीटर। और जो आपने एज्यूम किया था कि जो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन है वो ए बी के बीच में और एक्स भी है, यहाँ जो एक्स आया है ये जीरो से बड़ा है एक्स और छोटा है 2 मीटर से, तो जो हमने एज्यूम किया था वही उसी एज्यूम 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 एक्स के अंदर अंदर ही वैल्यू आ गई है, तो हमारी ये वैल्यू ट्रू है। तो ये फर्स्ट केस जो हमने किया है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन के लिए, यहाँ पर आपने देखा है, इसको आपने समझा है। अब एक और केस मैंने यहाँ पर लिया है, तो प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम है कि ए ई एक बीम है, इसके बी पॉइंट पर 50 न्यूटन का लोड है, सी पॉइंट पर 100 न्यूटन का लोड है और डी पॉइंट पर 200 न्यूटन का लोड है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पर जो रिएक्शंस आती हैं ये आप जानते हैं कि रिएक्शन निकालना बहुत आसान है, सिग्मा एफ आई और ए पॉइंट पर मोमेंट ले लेते हैं तो ये दोनों रिएक्शन आती हैं। ए पॉइंट पर रिएक्शन की वैल्यू प्री डिटरमाइंड है 140 न्यूटन आएगी और ये ई पॉइंट पर रिएक्शन की वैल्यू 210 न्यूटन है। तो इसमें आप जानते हैं कि जो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकालना है, तो हम लोग लास्ट सेगमेंट है डी, यहाँ पर एक सेक्शन ले लेते हैं और सारे लोड्स और या रिएक्शन की वैल्यू जो इस सेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर इसका मोमेंट इक्वेशन लिखते हैं तो जो मोमेंट इक्वेशन आता है वो आता है ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 140 की डिस्टेंस है एक्स, तो सीधे मैंने मोमेंट मैकॉले फंक्शन का यूज़ करके लिखा हुआ है 140 ब्रैकेट में एक्स माइनस 50 एक्स माइनस 1 माइनस 100 एक्स माइनस 2 माइनस 200 एक्स माइनस 4। तो अब यहाँ पर मैं एक इसका इलास्टिक कर्व ड्रॉ करता हूँ, तो आप इस पर लोड वैल्यू पे ध्यान दीजिए, यहाँ 200 है तो ये सबसे ज़्यादा इस बीम को यहाँ पर नीचे की तरफ ये ले जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ये जो है रोलर सपोर्ट है तो ये डिफ्लेक्शन नीचे की तरफ डिफ्लेक्शन अलाउ नहीं है लेकिन रोटेशन अलाउ है, तो इसका इस प्रकार से इसका इलास्टिक कर्व ऐसा बनेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इलास्टिक कर्व से हम लोगों को ये तो हेल्प मिल रही है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है वो ए बी या बी सी सेगमेंट में तो नहीं है और डी सेगमेंट में भी डी सेगमेंट में हो सी डी या डी सेगमेंट में हो सकता है, इतना हम लोगों को यहाँ इलास्टिक कर्व से ये तो पता लग रहा है। तो ये ई आई डी वाई डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ये इक्वेशन है, फिर इसका एक बार इंटीग्रेशन करते हैं ई आई डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में ये जो एक्स लिखा हुआ है इसको एक्स माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25 एक्स माइनस 1 ये जो इक्वेशन है माइनस 50 एक्स माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 100 पॉइंटेड बिकिन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, फिर जो कांस्टेंट इसका जो कांस्टेंट आता है वो भी मैंने पहले से सॉल्व कर लिया क्योंकि मैकॉले फंक्शन और कांस्टेंट को फाइंड आउट करना आपको आता है। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है और इसके नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है इसका एक बार और इंटीग्रेशन करने से 35 एक्स माइनस 0 का क्यूब माइनस 8.33 एक्स माइनस 1 पॉइंटेड ब्रैकेट क्यूब माइनस 16.66 एक्स माइनस 2 का क्यूब माइनस 33.3 एक्स माइनस 4 का क्यूब माइनस 735.05 एक्स, ये जो है ये 735 ये कांस्टेंट है, C1 की वैल्यू है ये और इसमें C2 जीरो आता है। तो अब इसमें y को मैक्सिमाइज करना है तो हम लोग y को मैक्सिमाइज करने के लिए सीधे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 पर यहाँ पर इस इक्वेशन पर चले जाते हैं और इसमें हम लोग एज्यूम अगर सपोज ऐसा कर लें अगर एज्यूम कर लें सपोज इसमें जबकि इलास्टिक कर्व हमें बता रहा है कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन सी डी और डी के बीच में आएगा, फिर भी हम लोग ये एज्यूम कर लें कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर अगर यहाँ पर बी सी के बीच में है तो एक्स इजल टू सपोज 1.9 मीटर अगर हम लोग इसमें रख देते हैं एक्स इजल टू 1.9 मीटर, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये सॉल्व और इसको जीरो के बराबर इक्वल करके सॉल्व करते हैं तो -502.6 = 0 आ जाता है जो कि कभी भी सही नहीं हो सकता। तो इसमें आप एक कॉन्स्ट और इसमें यह ध्यान दीजिए कि जब एक्स इजल टू 1.9 रखते हैं तो जो फर्स्ट टर्म होता है 70x² इससे 250 मिलता है 250.7 और जबकि यहाँ कॉन्स्टेंट है -735.05, तो ये पॉजिटिव टर्म इतना सा मिला और इसके साथ में एक नेगेटिव टर्म भी है तो ये दोनों मिलकर काफ़ी ज़्यादा है। तो इसमें एक्स इजल टू 1 और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, क्योंकि ये जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 उसको हम लोग ट्रायल एंड एरर मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं। तो एक्स इजल टू 1.9 मीटर पर ये जो आया है -502.6 = 0 तो ये तो ट्रू हो नहीं सकता, तो ये हम लोग इस वैल्यू को डिस्कार्ड कर देते हैं, इसका मतलब बी सी सेगमेंट में तो नहीं है। अब सी डी सेगमेंट यहाँ सी डी सेगमेंट में मान लेते हैं, सी डी सेगमेंट के लिए एक्स वेरी करता है 2 से बड़ा है और 4 से छोटा है। तो सपोज अगर मैंने एक्स इजल टू 3.9 मीटर भी ले लिया तो एक्स इजल टू 3.9 मीटर रखता हूँ तो यहाँ पर आता है -61.1 = 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ -502.6 था 1.9 पर और 3.9 से -61 आ गया,
तो यहाँ से 502 से 61 पर चला गया, लेकिन अभी भी ये इक्वेशन 0 = 0 के नज़दीक नहीं पहुँची है। फिर अब हम लोग यहाँ पर अगर x इज़ इक्वल टू 4.5 रख देता हूँ, मतलब x इज़ इक्वल टू, अब d से भी हम लोग आगे चले गए, d सेगमेंट के बीच में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ले लेते हैं, तो x इज़ इक्वल टू 4.5 पर भी प्लस का 38.75 इज़ इक्वल टू 0 आ जाता है। इसका मतलब ये है कि 4.5 पर तो ये पॉजिटिव हो गया है और 3.9 पर ये माइनस का 61 था। इसका मतलब 4.5 और 3.9 के बीच में आंसर है। अगर इसमें जब हमें x इज़ इक्वल टू 4.22 मीटर रखेंगे आप, तो इसमें आ जाता है 1.068 इज इक्वल टू 0। तो ये जो है ये बहुत कुछ नज़दीक है आंसर के नज़दीक। तो इसमें x इज इक्वल टू अगर आप 4.21 रखेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आंसर आ जाएगा। तो ये ट्रायल एंड एरर मेथड से ये इसका आंसर है, x इज इक्वल टू 4.21 मीटर पर आप 0 = 0 पर पहुँच जाएंगे। तो ये केस नंबर सेकंड हमने डिस्कशन किया है। अब एक केस और है हमारे पास कि अगर जैसे ये प्रॉब्लम है, ए डी अगर आपके पास एक बीम है जिसमें यहाँ पर यूडीएल लगा हुआ है 10 kN/m बी सी सेगमेंट में, तो इसकी ये जो रिएक्शंस हैं ये आप निकालना जानते हैं, तो ये रिएक्शन भी पहले से लिखी हुई है। अगर इसमें प्रॉब्लम डिस्कशन करें तो हम लोग आप जानते हैं कि सी डी सेगमेंट जो लास्ट सेगमेंट है, यहाँ पर मैं एक मोमेंट लेने के लिए एक सेक्शन ले लेता हूँ सी डी सेगमेंट में लास्ट में, और यहाँ पर हम लोग मोमेंट निकालते हैं एम एक्स, इस पर वैल्यू निकालें तो हमें जो मोमेंट की इक्वेशन मिलेगी उसको मैं ई आई डी टू आई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और सीधे मैकॉले फंक्शन का यूज़ करता हूँ मैं, तो यहाँ पर हमें जो इक्वेशन मिलेगी 12.5 इस लोड की जो है इस सेक्शन से डिस्टेंस है एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस एक्स है, तो 12.5 x, और एक्स को भी मैं एक्स माइनस जीरो लिख देता हूँ। फिर ये जो है ये इसमें सेगिंग कर रहा था, इस लोड की वजह से बीम ऐसे बेंड हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पर प्लस का यूज़ किया गया। फिर ये जो लोड है, ये जो यू डी एल, इसका इक्विवेलेंट लोड बीच में आएगा, उसकी वैल्यू होगी W इंटू एक्स, तो W की जगह डब्ल्यू एक्स लिख देता हूँ, और W की जगह हमारे पास है 10 और X की जगह हमारे पास है 2, तो 10 इंटू 2 ये इक्विवेलेंट लोड है W इक्विवेलेंट, और इसकी डिस्टेंस इस यहाँ से यहाँ तक ये 1 मीटर, इधर से B से 1 मीटर पर है और C से भी 1 मीटर पर है, तो इस जो ये लोड है W इक्विवेलेंट, इसकी सेक्शन से डिस्टेंस होगी X माइनस 3 मीटर, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, एक्स माइनस 3 मीटर, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10 × 2, ये डब्ल्यू एक्स है और इसकी डिस्टेंस है एक्स माइनस 3, और इसको मैं ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ। तो ये जो है इक्वेशन नंबर 1 है, लेकिन इस इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आप देखते हैं कि जब ये जो इक्वेशन है ये पूरा ए बी सेगमेंट, बी सी सेगमेंट और सी डी तीनों इक्वेशन को मैकॉले जो ये इक्वेशन है तीनों सेगमेंट को रिप्रेजेंट करनी चाहिए थी, लेकिन अगर आप देखें इसमें तो अगर सपोज इसमें मैं इसको बी सी के लिए भी अप्लाई करें तो बी जो होता है, बी जो शुरू होता है वहाँ से 2 मीटर से शुरू होता है और 4 मीटर पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो एक्स माइनस 3 है, तो ये न इसमें एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 4 ऐसी चीज़ आनी चाहिए थी, वो यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ पर अगर 3 से बड़ा है 3 से छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो ये यहाँ पर फिगर में ये 3 से लोड शुरू ही नहीं होता है, तो ये बी सी सेगमेंट के लिए अप्लाई नहीं होती और ना ही ये सी डी सेगमेंट के लिए अप्लाई होती। अगर ये जैसे यहाँ पर 2 मीटर से छोटा है तो यहाँ 2 मीटर वाला कोई टर्म नहीं है, तो ये ए बी सेगमेंट के लिए भी अप्लाई नहीं होती, तो ये इक्वेशन जो होती है ये अप्लाई नहीं हो पाती है। लेकिन अगर मैं इसमें इंटेलिजेंसी से इसमें अगर मैं ऊपर भी लोड ऐड कर दूँ लास्ट सेगमेंट तक मैंने यू डी एल अप्लाई कर दिया, लेकिन मतलब लास्ट तक अप्लाई किया है तो मेरे को डाउन में भी लास्ट तक अप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ मैंने इसमें यहाँ से सी पॉइंट से इस सी पॉइंट से लास्ट डी तक ऊपर भी मैंने यू डी एल अप्लाई कर दिया और नीचे भी यू डी एल अप्लाई कर दिया, तो इससे बीम की कंडीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, न रिएक्शंस पे इसका इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऊपर से जो लोड आएगा वो नीचे से लोड आ जाएगा। लेकिन इसको अप्लाई करने से कैसे मेरा मैकॉले फंक्शन का ये जो प्रॉब्लम है, जो इक्वेशन है, ये पूरे सेगमेंट पूरी बीम को कैसे रिप्रेजेंट कर देती है, तो इसको मैं दोबारा से अब अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले मोमेंट इक्वेशन लिख देता हूँ, मोमेंट इक्वेशन लिख देता हूँ एम एक्स, सबसे पहले ये जो रिएक्शन एट ए पॉइंट है 12.5, ये जो है ये अभी भी एक्स डिस्टेंस पर है, तो सिंपल अभी मैकॉले ब्रैकेट्स का यूज़ नहीं करता, 12.5 इंटू एक्स डिस्टेंस पर है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ से बी, ये पॉइंट बी है और ये वाला पॉइंट सी है, बी से जहाँ सेगमेंट लिया है आपने एक्स एक्स सेगमेंट, वहाँ आप देख सकते हैं बी से सी तक का डिस्टेंस जो है ये अभी यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स माइनस 2 है,
तो ये जो लोड होगा, इसका इक्विवेलेंट लोड जो अभी लगेगा, इक्विवेलेंट लोड वो लगेगा W इंटू एक्स, W की जगह 10 और X की जगह हो जाएगा X माइनस 2, और डिस्टेंस भी होगा इस इक्विवेलेंट लोड, ये जो इक्विवेलेंट लोड है इसका सेक्शन से डिस्टेंस X माइनस 2/2 होगा, और ये ऐसे ही B से जो W इक्विवेलेंट है उसका डिस्टेंस भी X माइनस 2/2 होगा। तो ये जो यहाँ पर ये तो है, ये लोड सेगिंग करता है इसलिए इसके आगे प्लस है, और ये जो इक्विवेलेंट लोड है बी और सेक्शन के बीच में जो लोड इक्विवेलेंट लोड आ रहा है ये इसके हॉगिंग करेगा, तो यहाँ पर माइनस है। और ये फोर्स की वैल्यू, सबसे पहले फोर्स, और फोर्स है 10 × x − 2, इसके बाद डिस्टेंस, डिस्टेंस है x − 2/2, और एक जो आप देख रहे हैं यहाँ से सी से यहाँ तक सेक्शन तक भी एक नीचे से भी फोर्स या लोड आ रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट लोड जो ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वैल्यू भी होगी 10 × इसका डिस्टेंस, लेकिन यहाँ से और सी से लेकर सेक्शन तक का डिस्टेंस जो है वो x − 4 है, तो ये फोर्स लोड की जो W इक्विवेलेंट यहाँ से लगेगा सी और सेक्शन जहाँ से लिया वहाँ पर, वहाँ तक के बीच में जो लोड लग रहा है ऊपर की तरफ वो 10 x − 4 होगा, और डिस्टेंस भी इसकी सेक्शन से x − 4/2 होगी, तो यहाँ पर ये भी हॉगिंग कर रहा है तो ये हो जाएगा −10 x − 4 × x − 4/2। अब इसको मैं मैकॉले फंक्शन में कन्वर्ट कर देता हूँ, ei d2y/dx2=12.5, x की जगह लिख देता हूँ x − 0 −10, और ये 5 आ जाएगा −5 x − 2 का स्क्वायर −5 x − 4 का स्क्वायर। अब आप देखें इसमें तो ये जो इक्वेशन आया है ये जो है सारे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर ये जो अगर जैसे अगर 4 से छोटा है x तो ये वाला टर्म 0 हो जाता है, तो ये दोनों टर्म ही बच जाती हैं, तो ये हमारा BC सेगमेंट को रिप्रेजेंट करती है, ये दोनों टर्म मिलकर BC सेगमेंट की मोमेंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर x अगर 2 से भी छोटा हो जाता है तो ये भी 0 हो जाता है, ये तो पहले से ही 0 है, ये दोनों 0 होकर ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये AB सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर देती है। तो इससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि जब UDL जो होता है वो एक ये ध्यान रखना है कि UDL जो होता है वो बीम के लास्ट सेगमेंट तक, लास्ट जहाँ बीम खत्म होती है वहाँ तक आना चाहिए, लेकिन अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको ऊपर और नीचे क्यों ऐड करना पड़ता है वो इन इक्वेशन से आप समझ पा रहे होंगे। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दैट, और हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें मोमेंट जो इक्वेशन है इसमें एक करेक्शन है, ये जो लास्ट में ये जो लोड था सी और सेक्शन के बीच में, ये जो लोड है ऊपर की तरफ जो जा रहा है ये सेगिंग करेगा, तो इसलिए यहाँ पर ये प्लस आएगा, तो ये आप इसमें एक करेक्शन कर लीजिए कि ये वाला जो लोड है जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये सेगिंग कर रहा है, और ये जो यहाँ पर बी से सेक्शन के बीच में ये जो इक्विवेलेंट लोड है ये हॉगिंग कर रहा है, इसलिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ तो प्लस है ही, ये इसमें एक करेक्शन करना था।